नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास चल रहा है और इस मास में गुप्त नवरात्रि आते हैं जो कि इस बार 25 जनवरी से शुरू हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार साल में कुल 4 नवरात्रि पड़ती हैं, जिनमें से शारदीय और चैत्र नवरात्रि प्रमुख हैं। साल के पहले मास में चैत्र नवरात्रि, चौथे मास अषाढ़ में दूसरी गुप्त नवरात्रि, इसके बाद अश्विनी मास में तीसरी प्रमुख अश्विनी नवरात्रि और 11वें माह यानी माघ माह में गुप्त नवरात्रि पड़ती है। आपको बता दें कि साल की दोनों ही गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की सार्वजनिक पूजा उपासना नहीं की जाती। इन दोनों नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलावा भगवान शिव एवं माता पार्वती के अर्ध नारीश्वर महाशक्ति रूप की गुप्त रूप से पूजा आराधना की जाती है। जिस प्रकार शारदीय और चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, उसी तरह गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। अब बताते हैं शुभ मुहूर्त। 25 जनवरी से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि 4 फरवरी तक चलेगी। कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 9:48 से 10:47 तक है। इस तरह से कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त का कुल समय 59 मिनट का है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से लेकर 12:55 तक है। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में 10 महाविद्याओं की उपासना की जाएगी। काली, तारा, शोणशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मतंगी और लक्ष्मी देवी की उपासना की जाती है। माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी के साधक पूजा से संबंधित कड़े नियमों का पालन करते हैं। चलिए अब बताते हैं कि क्यों इन नवरात्रि को क्यों कहा जाता है गुप्त नवरात्रि। दरअसल माघ मास की नवरात्रि को गुप्त रूप से शिव व महाशक्ति की उपासना की जाती है, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्र में सार्वजनिक रूप में माता दुर्गा की उपासना की जाती है। शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का साधना का काल बताया गया है। इनका महत्व जानने वाले साधक गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से विशेष साधना कर अनेक सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब बताते हैं गुप्त नवरात्र में कैसे 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा दिन के बजाय रात को की जाती है। पूजा के दौरान माँ दुर्गा को लाल सिंदूर, लाल चुंदरी चढ़ाएं, नारियल, केले, सेब, तिल के लड्डू, बताशे चढ़ाएं और लाल गुलाब के फूल भी चढ़ाएं। सरसों के तेल के दीपक जलाएं और 8 सिक्कों के साथ कुछ दान करें। पूजा करते समय ओम दुंग दुर्गाए नमः मंत्र का जाप करते रहें। इस नवरात्र में मानसिक पूजा का महत्व होता है। वाचन गुप्त होता है, लेकिन सतर्कता भी जरूरी है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि गुप्त नवरात्र केवल तांत्रिक विद्या के लिए ही होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।